दोस्तों, होमगार्ड से संबंधित देश के अलग अलग राज्यों से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इन अपडेट्स के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड ने निरीक्षण कर सुनी समस्याएं। अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने अपने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को निरीक्षण भवन पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता की। इसके बाद उन्होंने सिविल लाइन स्थित जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कंपनी कमांडरों व महिला प्लाटून कमांडर एवं कार्यालय स्टाफ से वार्ता कर उनकी समस्याओं व परेशानियों को जाना और पूछा कि ड्यूटी के दौरान थानों में होमगार्ड को परेशान तो नहीं किया जाता, जिस पर कंपनी कमांडर ने बताया कि थानों से मास्ट्रोल उपलब्ध कराने में देरी होती है। इस पर उन्होंने कहा कि थानों सहित जहाँ जहाँ होमगार्ड ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं वहाँ से मास्ट्रोल माह के अंत में बिना देरी किए तत्काल जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनको समय से वेतन दिया जा सके। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड ने सभी अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसमें निलंबित चल रहे होमगार्ड के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड महेंद्र सिंह को निर्देश दिए कि निलंबित होमगार्ड पर जांच कर जो भी एक्शन लेना है 6 माह के अंतर्गत लेकर निलंबन का निस्तारण करें। उन्होंने होमगार्ड की मृत्यु के बाद बीमा भुगतान के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड ए के सिंह को निर्देश दिया कि वह बीमा कंपनी से वार्ता कर 1 माह के भीतर भुगतान कराएं। उन्होंने विगत 3 वर्षों के मंडल के सभी होमगार्ड के लंबित बीमा भुगतान की समीक्षा कर 1 माह में आख्या प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी होमगार्ड की मृत्यु उपरांत अधिकतम 1 सप्ताह में बीमा भुगतान कराया जाए, अन्यथा बीमा कंपनी से अनुबंध समाप्त कर दूसरी बीमा कंपनी से अनुबंध किया जाए। इसके लिए उन्होंने फोन से सीधे शासन से वार्ता कर लंबित बीमा प्रकरण से अवगत कराया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट कुबर पंकज, एसडीएम कुमार चंद जवालिया, जिला कमांडेंट महेंद्र सिंह व मंडलीय कमांडेंट ए के सिंह सहित सभी कंपनी कमांडेंट महिला प्लाटून सहित होमगार्ड उपस्थित रहे। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा के सोनीपत से। हाईवे पर ऑटो खड़ा करने से रोका तो चालक ने होमगार्ड जवान से की मारपीट, वर्दी फाड़ी। जीटी रोड पर कुंडली के पास स्थित निफ्टम चौक पर होमगार्ड जवान ने ऑटो चालक को हाईवे के बीच ऑटो खड़ा करने से रोका तो उसने गाली गलौज करते हुए जवान के साथ मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ डाली। इतना ही नहीं, आरोप है कि जवान को छुरा दिखाकर मारने की धमकी भी दी, बाद में वह फरार हो गया। होमगार्ड जवान ने मामले की शिकायत कुंडली थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव जुआ निवासी मंजीत ने बताया कि वह होमगार्ड जवान के पद पर मुरथल ट्रैफिक थाने में कार्यरत है। उसकी ड्यूटी कुंडली के पास निफ्टन चौक पर लगी है। मंजीत का आरोप है कि वह ड्यूटी दे रहा था तो एक ऑटो चालक आया और उसने बिना इंडिकेटर के ऑटो को चौक के पास हाईवे पर खड़ा कर दिया, जिससे वहां जाम की स्थिति बनने लगी। उसे ट्रैफिक नियंत्रण करने में दिक्कत आ रही थी, जिस पर उसने ऑटो चालक को वहां से आगे जाने को कहा तो वह गाली गलौज करने लगा। मंजीत का आरोप है कि बाद में आरोपी ने उससे मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर रही है उड़ीसा के राउरकेला से। सुंदरगढ़ जिले में होमगार्ड नियुक्ति पर लगी रोक। राज्य सरकार की ओर से नई नियुक्ति पर 2 साल के लिए रोक लगाने के साथ होमगार्ड की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई है। इसका सीधा असर राउरकेला व सुंदरगढ़ पुलिस जिले में पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय से लेकर शहर के यातायात एवं भीड़ पर नियंत्रण तक की जिम्मेदारी होमगार्ड पर ही है। सुंदरगढ़ व राउरकेला पुलिस जिले में कुल 1337 होमगार्ड कार्यरत है। पुलिस मुख्यालय, थाना, ट्रैफिक व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पीसीआर, पेट्रोलिंग, कानून व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उनकी अहम भूमिका रही है एवं विभाग में पुलिस जवानों से अधिक काम होमगार्ड को करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने के फैसले की राउरकेला होमगार्ड संघ की ओर से विरोध किया गया है। संघ की ओर से कहा गया है कि राज्य में जितने होमगार्ड हैं उन्हें सरकार की ओर से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाद संघ की ओर से 2 बार हाईकोर्ट में याचिका दी गई तथा फैसला उनके पक्ष में हुआ, पर सरकार की ओर से इसका पालन नहीं हो रहा। राउरकेला होमगार्ड संघ के अध्यक्ष व संघ के सह सचिव धनीराम साहू ने बताया कि होमगार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर वह गंभीर हैं। सरकार को 2013 में ज्ञापन दिया गया था, विधानसभा के समक्ष धरना भी दिया गया था, पर आंदोलनकारियों को जबरन हटा दिया गया। होमगार्ड के वेतन बढ़ोतरी के लिए समान काम के लिए समान वेतन की भी मांग की जा रही है। कोर्ट की ओर से इसके लिए निर्देश जारी किया गया, पर इस पर अमल नहीं किया गया। इससे होमगार्ड सुविधा से वंचित हो रहे हैं। नई नियुक्ति नहीं होने से पुलिस व कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका संघ की ओर से जताई गई है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से होमगार्ड है। नीचे
कमेंट बॉक्स में आके अपनी राज्य और अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए होमगार्ड, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।